वादी कश्मीर की इस खुशहाल रियासत का हर एक अक्स नेक कदमों से तरक्की की ओर बढ़ते जा रहा है, जिसकी मिसाल यहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की राह पर देखने को मिल रही है। इसकी बदौलत वादी के कारीगर लोग अपनी शकाफती दस्तकारी को बरकरार रखते हुए उम्दा रोजगार हासिल कर रहे हैं। इनकी इस हुनरमंदी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत हिंद ने कारकंदर जैसी स्कीम को बहाल किया है, जिससे वादी की तरबियत याफ्ता अफराद को 2,000 रुपए और तरबियत देने वाले दस्तकारों को हर महीने एक अफराद को तरबियत देने के लिए 2,000 रुपए तक की आयजाजी इमदाद से नवाजा जाता है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स और रॉ मटेरियल के लिए 25,000 रुपए फरहाम किए जाते हैं। वादी में तकरीबन 60% घरानों का ताल्लुक 16 मुनफरिद दस्तकारी के साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें से 5 लाख कारीगर और 179 बड़े दस्तकारी क्लस्टर कारीगर शामिल हैं, जो तकरीबन 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की आमदनी हर साल पैदा करते हैं। इतना ही नहीं, कश्मीरी कालीन की सन्नत से तकरीबन 3.5 लाख कारीगर अपना रोजगार हासिल करते हैं, जो कम अज कम 25 ममालिकों के लिए अपने कालीन एक्सपोर्ट करते हैं। रवा साल 2020, 2021 और 2022 के दौरान तकरीबन 200 करोड़ तक की कीमत के कालीन को इन ममालिकों में फरोख्त किया गया है। जैसे श्रीनगर से ही ताल्लुक रखने वाले गुलाम रसूल खान, जिन्हें हुकूमत हिंद ने 2021 में कनी शॉल के मुख्तलिफ फनों के लिए पद्मश्री अवार्ड से नवाजा, जिससे पहले ये टेक्सटाइल्स का कौमी अवार्ड भी हासिल कर चुके थे। इसके अलावा वादी के बहुत सारे दस्तकारों ने मुख्तलिफ दस्तकारी के जिम्रों में कौमी आइजाज हासिल कर वादी का नाम रोशन किया है। वादी के लाखों लोग बागबानी की सन्नत से अपना मुस्तकबिल बनाने में कामयाब हैं, जैसे सेब, नाशपति, अखरोट, बादाम, सैफरन और खुबानी, जिसकी काश्त 242 लाख हेक्टेयर की जमीन पर की जाती है, जिसमें हर साल करीबन 250 करोड़ रुपए तक का फायदा हासिल होता है। वादी इन छोटे पैमाने वाले सन्नतों से पूरी दुनिया में मिसाल बनकर उभर रही है।